वेलकम ऑल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल ठीक रखे, मैं दुआ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। अभी मैंने आज हमारे घर बहुत ही स्पेशल हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो अभी मैं फ्रूट ट्राइफल बनाने लगी थी, अभी तो कस्टर्ड बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को भी बताते हैं कि आज हम मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि क्या कर रही हूँ आज मैं। ये मैंने 1.5 किलो के करीब दूध लिया है। एक्चुअली हमारे घर में मीठा बहुत खाया जाता है, ये इसमें तो इलायची डाल रही हूँ अभी बॉयल होने तक। चलिए अभी बनाते, मीठा बहुत ज़्यादा खाया जाता है और इसलिए फिर मैं फ्रूट ट्राइफल भी थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ। अभी इसको बॉयल आने तक उतनी देर में कस्टर्ड मिक्स कर लो। मैं ये देखें इरफान वालों का यूज़ करती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जेली भी उन्हीं की यूज़ करती हूँ। आज मैं मैंगो कस्टर्ड और मैंगो जेली ही डालूँगी फ्रूट ट्राइफल में, ना मैंगो का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मैंगो याद आ जाते हैं। आम का मौसम हो तो बस फिर, तो इसलिए आम की याद में आज मैंगो कस्टर्ड और जेली बना रहे हैं। ये देखिए कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको ठंडा होने के लिए जल्दी से फ्रिज में रखूँगी। अभी मैं जेली बनाने लगी हूँ, अभी मैं इनको सेट करने लगी हूँ। अभी ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं और फ्रूट में ये सेट हो गया। अभी मैं इसको फिर फ्रिज में रख रही हूँ। आज मैं गोभी चिकन बना रही हूँ। ये गोभी मैंने पहले जब सब्ज़ी आती है तो मैं उसको जो नहीं बनानी होती उसको काट के फ्रीज कर देती हूँ, ऐसे चॉपर वगैरह में डाल के तो फ्रीज कर देती हूँ। चिकन भी फ्रिज में ही पड़ा हुआ था क्योंकि अभी कोई फ्रेश लेके ला के देने वाला नहीं है, तो इसलिए जो फ्रिज में पड़ा है उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो मैंने स्प्रिंग ऑनियन जिनकी वो नीचे वाले पोर्शन में निकाल लिए थे तो इससे मैं गोभी बनाने लगी हूँ। और आज मेरे भैया और भाभी आ रहे हैं, तो जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं वो लोग बताएं कि मेरे कितने भाई हैं, और मैं भैया किस भाई को कहती हूँ अपने, तो और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्किप मत किया करें, पूरी वीडियो को वॉच किया करें। चलें अब आलू गोभी बनाते हैं और फिर जो मैं इससे मुझे ये अंदाज़ा होगा कि कौन कौन मेरी वीडियो को पूरा वॉच करता है। देखते हैं कि आप में से कौन वीडियो को पूरा वॉच करता है, ये बताएं। मैं अपने किस भाई को भैया कहती हूँ और भाई लोग कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई किस सिटी में रहते हैं। और जो बताएगा उससे आइडिया होगा मुझे कि मतलब वो इंसान मेरी वीडियो पूरी वॉच करता है। आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा मुझे। चलें अब अपनी आलू गोभी बनाते हैं, गोभी चिकन सॉरी बनाते हैं, भाई की ये फेवरेट है तो मैं वही चीज़ें बना रही हूँ जो जो भाई भैया को अच्छा लगता है। चिकन गोभी भी उनको पसंद है और फ्रूट ट्राइफल भी, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें ही वही बनाई। चलिए अब अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं।
ये हमारा गोभी चिकन रेडी हो चुका है। मैं वैसे भी, ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह, मैं वैसे भी गोभी में पानी नहीं डालती, हाँ बस हल्की सी स्टीम पे छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से रेडी हो जाए, मज़े की हो। अभी तो खुशबू से ही भूख लग रही है। मैं इनका आपको फाइनल लुक दिखाऊं, बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी मैं टेबल रेडी करते हुए आप लोगों को दिखाऊं कि लंच आज का मैंने कैसे बनाया है। और आप लोग कमेंट करके बताया करें, मुझे पता चले कि मैं कैसी कुकिंग करती हूं और आप लोगों को कैसा लगता है। भैया रोटी भी तवे की बनी हुई खाते हैं, तो इसलिए अभी उनके लिए रोटी बना रही हूँ गर्म गर्म, क्योंकि वो लोग पहुँचने वाले हैं। ये सैलेड मैंने तैयार किया है, सलाद और रायता। भाई जो भैया हैं वो बिल्कुल लाइट सी चीज़ें यूज़ करते हैं लंच में, तो वो सिर्फ प्याज और खीरे का ही सलाद लेते हैं, तो इसलिए मैंने यही बनाया है। और ये काली मिर्च वाला वो रायता खाते हैं, तो इसलिए ज़ीरा काली मिर्च और नमक वाला मैंने रायता बनाया। हर चीज़ में उनकी पसंद की बना रही हूँ। आपको पता है बहन भाई का रिश्ता बहुत ही मुकद्दस रिश्ता है, बहनों के दिल भाइयों के साथ ही धड़कते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता होता है, बहुत प्यार करती हैं बहनें, तो इसलिए अच्छा भी लगता है कि इंसान उनके लिए सब कुछ करे। तो इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ और इसलिए मैं हर चीज़ उनकी पसंद से बना रही हूँ ताकि उनको अच्छा लगे और उनको पता चले मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। तो इसलिए अभी सबको खाना देने के बाद अब हम लोग खाने लगे हैं। मैं अपने लिए निकाल आया और फिर मैं सिस्टर को बुला के लाई कि आए मिल के करते हैं, बहुत ज्यादा थक गए। हाँ अभी तो बोला भी नहीं जा रहा, स्टेमिना खत्म हो गया। भैया और भाभी वैसे भी जब आए हों तो हम लोग बहुत स्पेशल प्रोटोकॉल देते हैं उनको, क्योंकि भाई उनको हर चीज घर की बनी हुई अच्छी लगती है ना, तो इसलिए फिर, और फिर जब आपको पता है गेस्ट होते हैं तो फिर बंदा खुद तो बाद में ही खाता है, पहले तो सर्व ही करता है, इसीलिए। अभी मैं ये फ्रूट ट्राइफल खाने लगी हूँ। मैंने नहीं अभी टेस्ट किया, मजे का है, ठंडा होके और अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी खा तो लेना, अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, खाना तो चाहिए ना, अभी गले के बाद में सोचेंगे।